सलार के टीजर को देख करके जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया कि कहीं सलार बोल करके KGF 3 का टीजर तो नहीं निकाल दिया हम वाले वालों ने। आई मीन इसका टीजर काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है KGF से, क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो जो माइंस वगैरह दिखाई दे रही हैं वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसा लग रहा है एक्चुअल में वो KGF ही है। इसके अलावा जो उसकी कलर ग्रेडिंग की गई है, जो थीम आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा कि KGF में देखने को मिलता है। तो पहला थॉट तो भाई यही आ रहा था, कहीं KGF में ही तो ये स्टोरी बेस्ड नहीं है। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला है। जहां तक मैंने डिकोड किया है, ये मूवी इवन इंडिया में भी बेस्ड नहीं होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में बेस्ड होने वाली है और वहां पर भी किसी एक ऐसे ही माइंड के बारे में हम लोग को बताया जाएगा। जैसे KGF को एस्टैब्लिश किया गया था, वैसे ही सलार को भी पैरेलली एस्टैब्लिश किया जाने वाला है। जिस तरह से KGF में रॉकी जाता है और धीरे धीरे कर करके अपना वहां पर प्रेजेंस दिखाता है, अपना आधिपत्य कायम करता है, वहां पे राज करने लगता है, उसी तरह से सलार भी उस जगह पर जाएगा किसी माइंड में और धीरे धीरे करके वहां पर अपना राज कायम करेगा या फिर डायरेक्टली अटैक करके जो भी हो वहां पर अपना राज कायम करेगा, जैसे कि KGF 1 में हुआ था। अगर आप यहां पर ध्यान दो तो यहां पर बहुत सारे अफ्रीकन देखने को मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अफ्रीका के किसी जंगल में किसी छुपे हुए खदान के बारे में या फिर खान वगैरह जो कुछ भी है उस पर ही बेस्ड होने वाली है। और अगर आप यहां पर सोचो कि सलार कौन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलार या तो रॉकी का कोई एक बहुत ही अच्छा दोस्त है या फिर वो जो छोटा बच्चा देखने को मिला था KGF 2 में वो है जो रॉकी के साथ मिलकर के उसके राज को, उसके साम्राज्य को और भी इंटरनेशनली ले जा रहा है और इंटरनेशनली उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये मूवी भी KGF फ्रेंचाइजी की तरह ही फुल ऑन एक्शन पैक्ड धमाका होने वाली है। जिस तरह से प्रभास को इंट्रोड्यूस किया गया है इस टीजर में, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इस सीन को देखने के बाद प्रभास फैंस तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पर होने वाले हैं। और इवन में जिस तरह से उनके एक्शन को दिखाया गया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, आइकॉनिक लग रहा है और कहीं ना कहीं जो KGF है उससे रिलेटेड यानी कि यश के फाइटिंग स्टाइल से भी काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। जिस तरह से एक्शन को दिखाया जा रहा है वो KGF से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। थीम, म्यूजिक सब कुछ उससे मिलता जुलता लग रहा है। तो KGF का जो फ्रेंचाइजी धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा रहा है, वो काफी अच्छे से बढ़ाया जा रहा है। एंड प्रभास ये बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग है। जिस तरह से उनकी बैक टू बैक 4 से 5 मूवीज फ्लॉप हुई, फ्लॉप ना भी बोला जाए तो बेकार रही हैं, तो वो वैसे टाइम में प्रभास के जो फैंस है बहुत मतलब एकदम चाह रहे हैं ना कि उनके तरफ से कोई एक आ जाए भाई अच्छी मूवी, बस उनके तरफ से एक अच्छी मूवी चाहिए। जो प्रभास के फैंस है भाई आग लगा देंगे थिएटर्स में, बॉक्स ऑफिस के धज्जा उड़ जाने वाली है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि यही वो फिल्म होने वाली है जहां से प्रभास अपना कमबैक करने वाले हैं। बाहुबली के बाद सारी बेकार मूवीज उन्होंने दिया है और अब फाइनली एक ऐसी मूवी आ रही है जिसकी हम सब दिल खोल करके तारीफ कर सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है बाय द वे इसमें अगर रॉकी का छोटा सा कैमियो हो जाए, बस 2 मिनट के लिए भी रॉकी आ जाए भाई, उसके बाद बॉक्स ऑफिस का क्या ही धज्जा उड़ेंगी वो देखने लायक रहेगा। क्या पठान, क्या आदिपुरुष, सब कुछ तोड़फोड़ करके रख देने वाली है ये मूवी, मुझे ऐसा लगता है। बस सब कुछ परफेक्टली जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि भाई प्रवास क्या बोलो यार, जो प्रभास का नाम जुड़ जाता है ना जिस मूवी के साथ ऑलरेडी थोड़ा डर लगने लग जाता है कहीं इसके साथ भी कुछ। देखो यार आदिपुरुष भी बहुत अच्छा बन रहा था, बट एक गलती, एक दो छोटी मोटी गलतियों की वजह से पूरी मूवी बेकार हो गई। अगर इसको थोड़े से अच्छे से प्रेजेंट कर दिया गया रहता तो वो मूवी भी सुपर डुपर हिट हो गई रहती, ब्लॉकबस्टर गई रहती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो बस ऐसा कुछ इस मूवी के साथ ना हो जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। बस यही था इस टीजर के बारे में मेरा ओपिनियन। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।